इतने सारे दवा है, मैं ये खा रहा हूँ 2 दिन से, और क्या होगा मुझे तो कभी कभी डर भी लग रहा सोच के। पर ऐसा एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि अब मैं मतलब कि बच नहीं पाऊँगा। एक समय तो ऐसा आया था जब मैं हॉस्पिटल ढूंढ रहा था तो मिल नहीं रहा था, मतलब भटकना पड़ा मेरे को। हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। और मैं अभी इस वक्त आपको कुछ बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 2 दिन में। सो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में, अभी कल नहीं परसों, 2 दिन पहले की बात है, मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिल्कुल भी उस हालत में नहीं था। तो मैंने एक्चुअली सुबह में मैं एक फास्ट फूड वगैरह खाया था मॉर्निंग में। ऐसे मैं खाता नहीं हूँ बट उस दिन मैं खा लिया था क्योंकि भूख लगी थी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे पेट में दर्द होना चालू हो गया और धीरे धीरे फिर बढ़ता गया और ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मतलब पेट में दर्द जो चालू हुआ वो धीरे धीरे, मतलब मॉर्निंग 9 बजे के करीब में खाया था और 10 बजे तक, 11 बजे तक तो ठीक था, उसके बाद 1-2 बजे के बाद ऐसा हो गया था मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो मेरी 2 बजे के बाद ना उल्टी चालू हो गई और उल्टी ऐसा हुआ कुछ खाया नहीं फिर भी उल्टी हो रहा है। वो सिर्फ एक फास्ट फूड एक वड़ा पाव खाया था और उस वजह से मेरे को इतनी उल्टी होना चालू हो गया, इतना उल्टी होना चालू हो गया कि मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर एक बार और शाम को हुआ, मतलब 5 बार उल्टी हो गया। और उसके बाद पेट में दर्द ऐसा चालू हुआ, ऐसा पेट में दर्द हुआ मैं आपको बता नहीं सकता है कि मैं किस हालत में था। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को गाड़ी बुलाना पड़ा और वहाँ से बैठा के 2 लोग पकड़ के लेके आए ऑफिस से, और उसके बाद मेरे को गाड़ी में बैठाए और फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद, एक्चुअली हॉस्पिटल में नहीं गया, डायरेक्ट मैं घर पे आया। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि आसपास में किधर है एक हॉस्पिटल ढंग का कोई अच्छा सा, या फिर कोई भी ऐसा जो पास में हो, जल्दी से चले जाए, क्योंकि उस हालत में ही थे ना कि हाँ ज़्यादा दूर तक जा पाए। तो पास में हम लोग ने ढूंढा तो भी नहीं मिल रहा था, एक मिला मुश्किल से, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाने के बाद एक रिसेप्शन पे एक लेडी थी वो बैठी हुई थी पर डॉक्टर नहीं था। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पे डॉक्टर है क्या, ऐसी ऐसी हालत है, इमरजेंसी है। उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, वो कब आएंगे पता नहीं। फिर वहाँ पे मेरे को फिर उल्टी हो गया। मैंने उनसे पूछा वॉशरूम किधर है, जल्दी जल्दी वॉशरूम गया और फिर से उल्टी किया और पेट में इतना दर्द हो गया था, इतना गर्मी हो गया था कि मैं मतलब ऑलमोस्ट गिरने वाला था, चक्कर आ रहा था मेरे को। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था और नीरज, सो मैंने बोला उसको कि एक ऑटो बुलाओ, ऑटो वाले से पूछेंगे आसपास में कोई भी हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल, काफ़ी मुश्किल हो गया था, मिल ही नहीं रहा था हॉस्पिटल। तो उसने बोला हाँ आगे में एक है, तो वहाँ पे गया। और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर मेरी हालत देखा, मैं हॉस्पिटल में भी गिरने वाला था, ऐसी हालत हो गई, मैं चल ही नहीं पा रहा था। मतलब पकड़ के इन लोगों ने मेरे को लेके गए और इमरजेंसी में भर्ती किया, डॉक्टर ने देखा, उसके बाद जनरल वार्ड में लेके गया। वहाँ पे 2 बोतल मेरे को सलाइन चढ़ाया उसने, और चढ़ाने के बाद फिर धीरे 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 जाके रिलीफ हुआ, ऐसा हो गया था। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, मैं कुछ बता नहीं पाया क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था, मेरा फ़ोन किधर है, मैं किस स्थिति में, मुझे पता ही नहीं था। मैं ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं टूट गया हूँ बिल्कुल ही, मतलब लगा नहीं कि मैं अब। एक समय तो ऐसा आया था जब मैं हॉस्पिटल ढूंढ रहा था तो मिल नहीं रहा था, और वो जो लेडी थी एक बैठी थी बोला डॉक्टर नहीं है और आपको दूसरे क्लिनिक या दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो उस टाइम तो ऐसा लगा था कि मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ और यहाँ से जाने लायक हूँ भी नहीं मैं, मतलब भटकना पड़ा मेरे को, मतलब लिटरली मैं भटक रहा था कि मुझे कोई अच्छा क्लिनिक मिल जाए और कोई हॉस्पिटल मिल जाए जिसमें मुझे एकदम से एडमिट हो जाऊं और एकदम से कुछ टाइम पर ठीक हो जाऊं, क्योंकि ऐसी पेट में दर्द हो गई थी मैं बता नहीं सकता, पेट में बहुत तेज दर्द हो गई थी और मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि किसी को बताऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इशारों में बात कर रहा था। मैंने ऑटो वाले को भी, और मैं इस पर बैठा हूँ, डॉक्टर जो जो क्लिनिक था वो मैं रोड के किनारे जो होते हैं ना जिस पर ऐसे कुछ रहते हैं रोड के पास, तो मैं वहीं बैठ गया था।
और ऑटो वाला आया, बोला कि ठीक है आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने ऑटो वाले को मतलब बोल नहीं पाया कि आप ऑटो यहाँ लेके आ जाओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऑटो वाले को इशारा किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो उसने बेचारे ने लेके आया ऑटो, और ऑटो लेके आया। फिर मैंने ऑटो पे बैठा, और ऑटो पे बैठने के बाद उससे पूछा कि यहाँ पे आसपास में कोई भी है हॉस्पिटल तो मेरे को लेके चलो। तो वो बेचारे ने काफ़ी हेल्प की, बोला आगे नहीं गए, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो उसने वहाँ पर छोड़ दिया, और वहाँ से मेरी जो ट्रीटमेंट है चालू हुई, और रात को 2 बजे तक मेरा सलाइन चला। और फिर मैं वहाँ से आया रात को 2 बजे, मेरे साथ नीरज भी था। मतलब कि एक समय आया था कि मैं चल नहीं पा रहा था, मतलब ऐसा लगता था मैं रोड बेस हो जाऊँ। जब डॉक्टर के पास हम लोग ढूंढ रहे थे ना कि हॉस्पिटल किधर है, तो 1 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है, और आगे चलते हैं ऐसे ऐसे, तो मैं ऐसा लगता था मैं जा ही नहीं पाऊँगा, ये हालत हो गई थी। मैं सोचा कि मैं अब तो मतलब ये लास्ट है। मैं ऐसा एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि अब मैं मतलब कि बच नहीं पाऊँगा। फिर किसको बोलेगा इंसान, किसको बोल सकता है? जो फीलिंग है वो आपके अंदर, वो आप ही झेल सकते हो। आप किसको बोलोगे, किसको बताओगे? जब आप अकेले रहते हो कहीं बाहर में, तो आप किसको बताओगे, और कौन यहाँ पे साथ देता है? और वैसे भी तो अभी क्या है, अभी मैं बेड रेस्ट में मतलब हूँ, और सीढ़ी चढ़ के मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ, और 4th फ्लोर पर रहता हूँ। यहाँ से सीढ़ी लिफ्ट नहीं है, तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे या ऊपर आना पड़ता है। तो उसके लिए, वो चढ़ने के लिए भी ताकत चाहिए ना बॉडी के अंदर। मैं इतना वीकनेस हो गया है मेरे साथ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले ऐसे ही कुछ मंगाया था, बट अभी सुबह में, आज तो थोड़ा ठीक था, तो सुबह में गया था, बिस्किट वगैरह ले कर आया, और दवा ववा खा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब पेट का दर्द तो थोड़ा सा ठीक है, और वीकनेस जो है अभी भी है, बट कुछ ठीक है, बट अभी भी वीकनेस है, और मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर ने कितना सारा दवा दिया है, 5-6 दिन का दवा दिया है, रेस्ट बोला है, और पानी पी के रह रहा हूँ, खाने को बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा। जो खाना है ना, मैं 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, मतलब 2 दिन से उसने बोला है कि बाहर का खाना नहीं खाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि बनाते नहीं हैं, और यहाँ पर कोई फैमिली तो है नहीं, जैसे घर वाले रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, या फिर कोई ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बाहर से ही खाते थे, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, बैचलर है, तो बाहर ही मतलब कि मैं खाता था, और उस दिन पता नहीं क्या हो गया। सो अभी बाहर ही खा रहे थे, डॉक्टर ने मना किया बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाना है आपको। तो मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो जो मैंने एप्पल और केला वगैरह वो लेके आया था वही खा रहा हूँ, और पानी पी रहा हूँ, और दवा ववा जो भी है वो खा रहा हूँ। तो सुबह मैं बिस्किट लेके आया था वो खा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो और कमज़ोर हो जाऊंगा, बट ठीक है, डॉक्टर ने मना किया है, तो देखते हैं, दवा खाते हैं, थोड़ा सा ठीक होगा तो फिर मैं उसको डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा कि अभी क्या कर सकते हैं। सो देखते हैं, ऐसा है, अभी आपको दिखाता हूँ कितने सारे दवा हैं, और मैं क्या खा के रह रहा हूँ, और किस स्थिति में। अभी जो जितने भी पार्टनर है मेरे, जो कलीग हैं, जो मेरे साथ जॉब करते हैं, वो सारे ड्यूटी पे चले गए हैं, सारे कल भी ड्यूटी पे चले गए थे, आज भी गए हैं। तो वो ड्यूटी, उनकी भी प्रॉब्लम है, ड्यूटी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी एक बंदे के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आप समझ सकते हैं, कंपनी के अंदर। तो मैं यहाँ पे अकेले हूँ, पर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे कि मैं कुछ एकदम से इमरजेंसी आ गया, कहीं जाना पड़े, या फिर से तबीयत कोई ख़राब हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, किसको बुलाऊँगा, और क्या होगा। मुझे तो कभी कभी डर भी लग रहा सोच के, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जो होगा देखेंगे। और मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जो मुँह है मेरा सूख रहा है बिल्कुल भी, मतलब कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और मैं सोचा कि ये अच्छा टाइम है, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें जो है शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं 2 दिन तक तो ये स्थिति में नहीं था कि मैं कैमरा ऐसे उठा के बात कर पाऊँ, बोल पाऊँ। तो अभी लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई आपको। और दोस्तों ये है, देखो मेरा जो यहीं पे मैं ये खा के रह रहा हूँ, ये देखो एप्पल भी मैंने कल का काटा हुआ था, और ये देखो ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, मतलब खाने को भी इच्छा नहीं कर रहा है, तो मैंने काट के रखा, जस्ट थोड़ा बहुत खाया हूँ, और थोड़ा ये ख़राब हो रहा है। और ये सुबह मैं बिस्किट लेके आया था, तो बिस्किट भी थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। और बाकी सारा दवा देखो कितना सारा दवा है, मतलब इतने सारे दवा है,
मैं ये खा रहा हूँ 2 दिन से और दवा खा के रह रहा हूँ। बहुत सारी दवा देख सकते हैं, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें कितने सारे दवा लिखे हुए हैं और ये खाने का है, तो यही सब है। सो दोस्तों, ये थी हमारी जो 2 दिन की जर्नी थी, जो ज़िंदगी और मौत के बीच जो मैं गुजर रहा था, ये 2 दिन की मेरी स्टोरी थी और मैं सोचा बता दूँ। अभी देखो मेरा जो फेस है वो बिल्कुल छोटा हो गया है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से, बाल बाल कैसे हो गए हैं समझ नहीं आ रहा है, और काफ़ी वीकनेस हो गया है, मतलब कि आप देख सकते हो काफ़ी वीकनेस हो गया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो ये था, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, अपना ख्याल रखो और खुश रहो।